ओ भाई साहब, कौन कौन गाड़ी लेके आ गया है? ये दोनों लेके आए हैं, एक मर्सिडीज उधर और एक ये रहा BMW Z4। खुद मेहनत से कमाया हुआ है सब चीज एंड बहुत महंगी महंगी कार। भाई ने कार का कलेक्शन अलग ही लेवल का रखा हुआ है, इनका काफी ज्यादा शौक है मतलब कार कलेक्शन बनाना, है ना। अनुराग भाई का स्कूल जहाँ से इन्होंने स्टडी किया है। एक बार एक कक्षा दो यहाँ मैं पढ़ा हूँ। चलिए यहाँ पर आ चुके हैं, अभी घर वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को। कहाँ से भाई निकल करके ये सब का मालिक बने हैं, देखिए स्पोर्ट कार, इधर अपना मर्सिडीज। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, ये जो आज का ब्लॉग है ये सीधे स्टार्ट हो रहा है नवाबों के शहर लखनऊ से। ये देख सकते हो मैं यहाँ पर लखनऊ आ चुका हूँ, ये पूरा लखनऊ सिटी हम लोग का होटल रूम के बालकनी से दिख रहा है। एंड दोस्तों, अभी हम लोग होटल रूम में है, अंकित वहाँ सो रहा है, इधर हेमंत बैठा हुआ है नहा वहा के, एंड मैं भी नहा वहा के यहाँ पर फ्रेश हो चुका हूँ। तो लखनऊ में क्यों आया था, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, काफी दिनों से हम लोगों का बातचीत होता है, लगभग 2 साल से, जिसका नाम है अनुराग। और दोस्तों, उनको एक तरह से उनका जो नाम है ना, वो इस चीज से फेमस है कि वो फैंटेसी किंग है। कैसे पता है? वो फैंटेसी एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे ड्रीम इलेवन, MPL वगैरह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो फैंटेसी जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, वो सब एप्लीकेशंस पे वो जो है प्रिडिक्शन करते हैं, और उनका प्रिडिक्शन मान के चलो कि 70% सही हो जाता है। अब ये लक बोलो या फिर नॉलेज बोलो, इसको एक्चुअली नॉलेज ही बोला जाता है, नॉलेज ऑफ गेम, ये जितने भी फैंटेसी होते हैं। क्योंकि आपको अगर हर एक प्लेयर के बारे में असली नॉलेज होगा कि वो प्लेयर कैसा परफॉर्म कर सकता है, उस पिच में कैसा खेलता है, ठीक है, कितना रन बना सकता है, तो इस तरह की ये प्रिडिक्शन करते हैं और इनका 70% जो है सच हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। और ये काफी बार इन फैंटेसी एप्लीकेशंस के थ्रू काफी बड़ा बड़ा प्राइजेस जीते हुए हैं। प्राइजेस में पैसा रहता है, आप लोगों को पता ही होगा फैंटेसी एप्लीकेशंस पे। और आज के डेट में दोस्तों, इनके पास BMW बोलो, मर्सिडीज बोलो आपका, और जितने भी महंगे महंगे गाड़ियां हैं, सब कुछ है इनके पास। वो तो छोड़ दो, एक कार तो मतलब सेकेंडरी चीज हो गया, बट और भी काफी अच्छा खासा ये अपनी लाइफ में कर रहे हैं। और ज्यादा उम्र भी नहीं है, सिर्फ 24 से 25 साल ही हो रहा है, मेरे ही जैसे वो थोड़ा बहुत है एज में, यंग है अभी, और काफी अच्छा खासा ये फैंटेसी एप्लीकेशन के थ्रू ग्रो किए हैं। एंड अभी इनको काफी बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता रहता है इन एप्लीकेशन के थ्रू, वो सारा कुछ मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। हो सकता है ये ब्लॉग में ना बताऊं, बट हाँ, टेक चैनल पर उनका एक इंटरव्यू आएगा। फिलहाल अभी हम लोग होटल रूम में उनका वेट कर रहे हैं, फ्रेश व्रेश होकर के 12 बज रहा है, वो अभी आ रहे हैं हमें रिसीव करने के लिए। मैं कल के डेट में ही रात में आ चुका था और उनका ऑफिस वगैरह सब कुछ देख लिया, अभी मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। एंड चलिए, उनका आने का वेट करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट उनके ऑफिस पे, उनका इंटरव्यू शूट करेंगे, देन थोड़ा बहुत लखनऊ घूमना भी है, 2 दिन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए, बने रहें ब्लॉग में एंड तक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली अनुराग भाई आ गए हैं, अभी हम लोग लिफ्ट से आ गए हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, एंड चलिए चलते हैं, इंटरव्यू वगैरह बहुत कुछ काम है आज, पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा घूमने उमने का, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 2:10, ठीक है, 2:10। चलिए निकलते हैं होटल से बाहर, हम लोग रुके हुए थे हयात होटल में, हयात रेजेंसी। और ये रहा अनुराग भाई का कार, कहाँ है? ओ भाई साहब, कौन कौन गाड़ी लेके आ गया है? ये दोनों लेके आए हैं, एक मर्सिडीज उधर और एक ये रहा BMW Z4। यहीं पे बैठे हुए हैं। यो अनुराग भाई, आजा आजा आजा, गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग से आपने आफ्टरनून कर दिया। ये अनुराग भाई आ गए हैं अभी Z4 लेकर के, हमारा यही सीन भाई, अलार्म अगर नहीं लगाया तो हम जग नहीं सकते। ये है अपना स्पोर्ट कार, कल रात में ही मैं यहाँ पर आ चुका था, ठीक है। अनुराग भाई वहाँ पर एयरपोर्ट से हमें रिसीव करके होटल छोड़े हुए थे, फिर अभी सुबह आए हुए, मतलब दोपहर हो गया 2 बजे। वैसे मैं भी लेट से ही उठा था क्योंकि बहुत लेट नाइट हमने सोया हुआ था, ठीक है, तो अभी 2 बज रहा है बेचारा अनुराग भाई का ऑफिस में ना। अभी तो अभी लेके चल रहे गाँव, अभी आपने गाँव देखा नहीं है आपका, हाँ आपका तो ऐसे मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो अनुराग भाई अभी लेके जा रहा है अपना गाँव, गाँव में जाकर इनका घर वगैरह देखेंगे, पुराना वाला घर जो है जहाँ मेंटेन करवा दिया ना आपने। तो अनुराग भाई के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो तो मैंने थोड़ा ब्लॉग में बोला, ये भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल से ही आज इतना कुछ है इनके पास। अभी आप जो महंगी महंगी कार्स देख रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि इनको जो है इसमें मिला है, क्या बोलते हैं, अपनी कमाई से लिए, किस्मत था नहीं बोला ना, जो पापा से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, बाप की विरासत नहीं, हाँ विरासत नहीं है, खुद मेहनत से कमाया हुआ है सब चीज़। एंड बहुत महंगी महंगी कार, भाई ने कार का कलेक्शन अलग ही लेवल का रखा हुआ है, इनका काफ़ी ज़्यादा शौक है मतलब कार कलेक्शन बनाना, है ना। ये है BMW का Z4, उधर मर्सिडीज पीछे आ रहा है हेमंत अग्नि, तो उसमें है और भी बहुत सारे कार्स है, वो आपका अभी जहाँ जा रहे हैं वहीं पे है ना सारा कार, हाँ
वहीं पे है ना, यहीं पे लखनऊ में, एक 7 सीरीज लखनऊ में है इंडिवरी पे। वहाँ पर गाँव में क्या है कि वो एक डिजायर है, मेरी पहली गाड़ी है, तो वो मम्मी पापा की सर्विस में वो लगी हुई है। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए चलते हैं इनके गांव, दिखाते हैं आप लोग घर वगैरह। ये है लखनऊ स्टेडियम, यहाँ पे सारा मैचेस वगैरह होता है ना। अभी रिसेंटली काफी मैचेस हुए हैं और इस बार आईपीएल में यहाँ पर होंगे 7 मैच होंगे। अच्छा, आईपीएल का 7 मैच यहीं पे है। हाँ, हम तो घर नहीं देख पाएंगे, मुंबई में होंगे शायद। अभी अनुराग भाई यहाँ पर हमें रोक करके लाए थे स्पेशल पानी पूरी खिलाने के लिए, खा भी लिया हम, ब्लॉग में बाद में बना रहा हूँ। और भाई अभी चाउमीन खा रहा है। सुबह से कुछ खाया नहीं दिखा, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था। दिन में एक बार खाना खाते हैं, अब पूरा दिन जंक फूड, रात में खाना। और ये हमारा रेडबुल वगैरह सब कुछ आ गया है, ये तो मतलब रेगुलर पी रहे हैं अभी हम, आदत सी हो गई एक तरह से, है ना। रात में पी लिए तो नींद ही नहीं आ रहा। ये एक्टिव कर देता माइंड को ना, कल रात में हमने 1 बजे पी लिया था, रात में नींद ही नहीं आ रहा था, फिर वेब सीरीज वगैरह देखते देखते नींद आया। चलिए अभी पी के फिर यहाँ से निकलेंगे अनुराग भाई के वहाँ पे गांव में। तो अभी अनुराग भाई के गांव के रस्ते में आ गए हैं। यहाँ से कितना दूर है भाई? बस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ना, देख रहे हो रास्ता कैसा बताते है? बताते पहुँच जाएंगे। रास्ता कितना खराब है देखो, और ये गाड़ी इतना ज्यादा, मतलब ये तो अच्छा है यहाँ, यहाँ ठीक है। अभी जब हमने क्रॉस कर दिया, मतलब ये गाड़ी फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे घुस आए हो ना? उस रास्ते से पहली बार लाया हूँ, क्योंकि बाजार का दिन है, सब्जी वाले रोड पे दुकान लगाते हैं, तो उसके रीजन से बहुत ज्यादा, एक दो तीन गाड़ियाँ आ गई तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो और आज के दिन वैसे हम लोग घर आते नहीं है संडे को, क्योंकि बाजार होती है, लेकिन अब आप आए हो तो हम सोचे आपको घुमाते हैं। बस इधर सिर्फ सरसों का खेत दिख रहा है चारों तरफ, एकदम गाँव है। और अभी भाई शिफ्ट हो गए हैं मेन एकदम सिटी पे, जहाँ पर ऑफिस वगैरह सब कुछ, लेकिन आज हमें स्पेशल घुमाने लेके आए हुए हैं। बहुत सुविधा है हमारे गाँव, अभी गाँव है नहीं, वो बस नाम का ही गाँव है, बाकी सब कुछ तभी वो लगता है गाँव, वरना सुविधा है बहुत। तो अभी स्पेशल लेके आए हैं मुझे घुमाने के लिए, और हम लोग यहीं पे वीडियो वगैरह करेंगे, देखते हैं। आप लोगों को तो दिखा ही रहे हैं इस ब्लॉग पे। चलिए और कुछ देर, अनुराग भाई का स्कूल जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, एक बार एक कच्चा दो है हमें, मैं पढ़ा हूँ, मतलब पापा प्रधान थे, स्कूल बना हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि यार हमारे लड़का नहीं पढ़ेगा तो क्या है, तो उन्होंने एडमिशन कराया, तो हमने एक क्लास यहाँ पढ़ी थी। अच्छा, मतलब एक ही क्लास, एक साल कक्षा दो में पढ़ा था, लेकिन तब पढ़ने में बहुत तेज था, यहाँ के साथ मतलब बहुत तेज था, तो क्लास 3rd में हम बैठते थे, दीदी के साथ बैठते थे। तो एक ही साल यहाँ पे पढ़े हुए हैं, जो गाँव का ही स्कूल है, बाकी हम लोग घर आ गए, घर भी आ गए, वही है व्हाइट वाला ना, ये रहा अनुराग भाई का घर। नहीं है, अच्छा ये सब नहीं है, ये भी आपने बनवाया है मतलब, है ना? ये फार्म हाउस है, ट्रैक्टर है सब, वो तो मंदिर बन, वो मंदिर भी रिपेयर कराया था, अंदर जानवर है इसके, ये भी बाबा के लिए थोड़ा एडवांस वाली इंग्लिश वाली वो बन रही है। तो गांव के अंदर में भी इन्होंने अपना घर बहुत अच्छा बना के रख दिया है। और तो घर है क्या? यही है आपका अभी फिलहाल तो ना? हमारा घर 8-9 है वैसे, नवाबगंज में काफी घर है, लेकिन उस जगह पर है जहाँ पर बाजार है। तो चलिए यहाँ पर आ चुके हैं, अभी घर वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को, कहाँ से भाई निकल करके ये सब का मालिक बने हैं। देखिए स्पोर्ट कार, इधर अपना मर्सिडीज, ये तो भाई बहुत लंबी है, ये 7 सीरीज इससे भी लंबी है। चलिए फार्म हाउस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ट्रैक्टर तो है, ट्रैक्टर स्कूटी जानवर, मतलब कौन सा जानवर, गाय वगैरह, भैंस भी है, ये देखो कितना बड़ा है। यहाँ पर हम लोग, मैं कूलर वूलर सब होता है, 2 कूलर होते हैं, एक पता नहीं कहाँ गया, 2 कूलर इनके रखते हैं घर में। हाँ बाबू, कौन है ये आपके? मेरा भाई छोटा। क्या हुआ? चलो नमस्ते दादी, दादी हमें दादी जी। बढ़िया, हमारे चाचा हैं,
इनको हम लोग प्यार से जेठालाल बोलते हैं। कहते पीछे मधुमक्खी तो भाग गए। बोलो ना, डरपोक बहुत है। साफ। तो ये जो जितने जमीन देख रहे हो सब अनुराग भाई का ही है, इधर खेत वगैरह, उधर मतलब बहुत दूर तक जो कोना है, हाँ वो कोने तक। और यहाँ क्या मस्त फीलिंग आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा, गोवा वाला फीलिंग मिल रहा है। इधर सरसों का पूरा खेत ही खेत, सुकून है यहाँ। तो अभी अनुराग भाई के गांव से निकल करके अभी फिलहाल अभी जा रहे हैं फिर से होटल, फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर में कहीं पे। तो मैं लखनऊ फर्स्ट टाइम आया था, तो अनुराग भाई कुछ पूछ रहे थे मेरे से ना अभी। पूछा था कैसा लगा लखनऊ। एक्चुअली ना इनको मैं VIP एरिया घुमा रहा हूँ, पूरा मेन एकदम सिटी। अब शहीद पथ अपना, गोमती नगर, विभूति खंड, फिर उधर लेके गया उन्नाव साइड अपने गांव तरफ। तो मैंने पूछा कैसा लगा, कहते बहुत अच्छा शहर, एकदम क्लीन है। फर्स्ट टाइम मैं आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा क्लीन है एकदम, ठीक है। और सिटी इतना ज्यादा मतलब कि डेवलप बहुत तेजी से हो रहा है और अच्छा हो रहा है, ये पॉइंट है ना? बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हाँ, तो ये योगी जी की वजह से ही है। लखनऊ में सिर्फ यहाँ पर रोड और बिल्डिंग ही नहीं, यहाँ पर लोग भी अच्छे बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात। अभी तक तो अच्छा ही लगा, लोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। दो दिन होने चला, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। योगी जी ऐसे ही काम करते रहिए, हमारे लखनऊ को आगे, देश का विकास होना चाहिए, जरूरी है। सो गाइस, आज है नेक्स्ट डे। कल हम लोग शाम में होटल आकर के रुके हुए थे, रेस्ट करने के बाद आज नेक्स्ट डे जा रहे हैं अनुराग भाई के ऑफिस पे, वहाँ पर जाकर के अभी इंटरव्यू वगैरह शूट करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे जो भी हो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी चलते हैं अनुराग के ऑफिस। तो अभी आ गए हम लोग फाइनली अनुराग भाई के ऑफिस पे और सारा सेटअप वगैरह कर रहे हैं इंटरव्यू शूट के लिए। ये देख सकते हो भाई वहाँ बैठे हुए, गुड मॉर्निंग, तैयार है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। वैसे मेरा कोई सवाल रहता ही नहीं है, बस आपका जर्नी थोड़ा बता देना, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। इधर देखिए कैमरा वगैरह हम लोग कर रहे हैं सेट, वो सारा अनुराग भाई का ही कैमरा वगैरह है, मैंने लेके ही नहीं आया, मुझे पता था इनके पास है कैमरा। इधर देखिए पूरा ऑफिस भी बहुत अच्छा खासा बना हुआ है, शानदार। एक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, गुड मॉर्निंग, वैसे आफ्टरनून हो गया है फिर भी मॉर्निंग बोलना पड़ रहा है। इधर देखिए ऑफिस में यहाँ क्रिकेट ग्राउंड भी है, हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट वगैरह खेला है, आप लोगों ने स्टोरी देखा होगा इंस्टाग्राम पर। चलिए फिलहाल अभी वीडियो शूट करते हैं।